नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भारत। तो मैं हूँ आपके साथ स्वीटी दीक्षित। मई का महीना शुरू हो गया है, इसके बाद जून का महीना आएगा, लेकिन गर्मी का सितम है जो लगातार कह ढाता जा रहा है। मई के महीने में जून जैसी वाली गर्मी हो गई है। आज मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री का अंदेशा जाहिर किया है। इसके बीच आपको बता दूं कि लगातार जो धूप है वो अपने मुंह से आग उगल रहा है, कहीं भी बारिश की कोई आसार नहीं नजर आ रही। ऐसे में लोग धूप से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए पानी और गन्ने के जूस का सहारा ले रहे हैं। हमारे पास देख सकते हैं कि कैसे पानी का स्टॉल लगा है। भैया, गर्मी बहुत बढ़ गई है, क्या कहेंगे? आपके पास, अरे कह दीजिए। ये भैया तो कुछ कहने के लिए राजी ही नहीं है, इनको गर्मी नहीं लगती, लगता है गर्मी बढ़ गई। भैया गर्मी से पसीना देख लो कितना चूर है। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। किस चीज का? स्कर्ट लगाते हैं। क्या लगाते हो? तो गर्मी में ऐसे ही लगाए रखते हैं? हाँ जी। कितनी देर तक लगाते हैं? 10 बजे के 10 बजे। और ग्राहकों का क्या कहना है? ग्राहकों की वही जी, गर्मी में जो हाल है। देखिए, ये भी कह रहे हैं कि दिन से लेके रात तक जो है कि स्टॉल लगाते हैं और गर्मी से नहा चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी भारी भीड़ हमारे आसपास मौजूद है और ये भीड़ इसी गर्मी में खड़ी है आपके और हमारे साथ। देखिए किस तरीके से लोग, ग्राहक जो है वो लगातार अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। यहाँ पे ग्राहकों की कमी भी नहीं नज़र आ रही है, लेकिन गर्मी की कमी कहीं भी नहीं नज़र आ रही है। देखिए इस बीच मैडम, गर्मी इतनी बढ़ गई है। मैं तो हिमाचल से हूँ, यहाँ एक्सेसिव गर्मी लग रही है हमें तो। यहाँ हिमाचल में तो ठंड रहती होगी और यहाँ की गर्मी अनबियरेबल, सहने लायक है? मेरे लिए नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। कैसे बचते, कैसे गर्मी से? मास्क लगा रखा है, पानी पी रहे हैं, नारियल खा रहे हैं। अच्छा, एक तो गर्मी, ऊपर से पसीना, ऊपर से मास्क। हाँ मतलब अब, पर अपनी हेल्थ भी फर्स्ट है। मतलब जैसे कोविड का टाइम है तो आई थिंक कि गर्मी हो चाहे जो मर्जी हो, मास्क पहनना जरूरी है। तो ये तो रही हिमाचल की बात। हिमाचल के लोग यहाँ पे आके भाई गर्मी का प्रकोप जो है वो झेल ही नहीं पा रहे हैं। चलिए पूछते हैं कि ग्राहकों की जो शॉपिंग है वो कैसी हो पाती है, दुकानदार का गर्मी पे क्या असर पड़ा है। भैया आप इसी दुकान के मालिक हैं? क्या इसी दुकान के मालिक हैं आप? गर्मी इतनी बढ़ गई, ये बताइए कुछ। गर्मी तो मौसम में बढ़ ही जाता है, तो क्या बताना है। तो आप ऐसे लगाए रहते सुबह से रात तक? ये मेरा नहीं है, उसका है। अच्छा, आप इसी दुकान के मालिक हैं? गर्मी इतनी बढ़ गई है, ऐसी धूप में सामान लेते हैं? काम मेरा है, करना पड़ेगा ना। सुबह से शाम तक? सुबह से शाम तक, 11 बजे से 11 रात तक। और ग्राहकों को कुछ असर पड़ा? कम हुए, ज्यादा हुए? किस टाइम ग्राहक सबसे ज्यादा आते हैं? ज्यादा लोग निकलते हैं गर्मी में, ज्यादा लोग निकलते हैं। इनका कहना है कि गर्मी में ज्यादा लोग निकलते हैं ठंड के मुकाबले। तो देखिए भीड़ देख सकते हैं आप मेरे पीछे है कि लगातार जो हुजूम है। इन मैम से बात करके, इनके पास पानी की भी बोतल है। गर्मी में आप पानी की बोतल का सहारा ले रही है? क्या करूँ, गर्मी इतनी पड़ रही है, फिर भी आप इस टाइम दोपहर में बाहर निकली? वैक्सीन लगवाने गए थे। ये वैक्सीन लगवाने गई है और देखिए पानी की बोतल की सहारा ले रही है। पानी पीना भी ज़रूरी है गर्मी में, तभी तो इंसान चलेगा और आगे बढ़ेगा। देखिए किस तरीके से भीड़ जो है हमारे आसपास नज़र आ रही है। यहाँ पे चारों तरफ लोग जो है, एक तो गर्मी, ऊपर से मास्क का सहारा भी ले रहे हैं लोग, क्योंकि कोरोना काल भी है। तो दोनों चीज़ें हमें जो है साथ में दिखानी पड़ेगी और साथ में लेके भी चलना पड़ेगा। वॉइस ऑफ भारत की टीम पहुंची है नोएडा के सेक्टर 18 में। यहाँ पे मार्केट लगती है, इस मार्केट का नाम है अट्टा मार्केट। तो देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है अट्टा मार्केट में। इसके साथ ही लोग जो है गर्मी में अपना काम करने को मजबूर। भैया इतनी गर्मी है, क्या हाल है? बहुत बढ़िया हाल है जी। लाइट वाइट तो दिख नहीं रही यहाँ पे, गर्मी में बहुत परेशान है आदमी, पब्लिक यहाँ बहुत परेशान है गर्मी में। कब से गई है लाइट? अभी 1 घंटा हो गया। देखिए 1 घंटे से लगातार लाइट गई हुई है, लोग इसी गर्मी में काम करने को मजबूर है, क्योंकि इनका काम है, इनको करने को लोग मजबूर है। तो देखिए किस तरीके से लाइट के बिना लोग लगातार काम कर रहे हैं। देख सकते हैं भैया इतनी गर्मी है, कहाँ हलवा? ठीक ठीक है। गर्मी में ठीक हलवा? ठीक है ठीक है। गमछा वमछा लेके? गमछा कुर्ती है। गर्मी के का माहौल बा? ठीक बा। गर्मी नहीं लगा? हम लोग को गर्मी नहीं लगता है। इन लोगों को गर्मी नहीं लगता है भाई, देखिए इतनी गर्मी के मौसम में इन लोगों को गर्मी नहीं लगता है, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। चलिए मैडम से बात करते हैं। मैडम इतनी गर्मी है, क्या हाल है? हाल बुरा है। हाल बुरा है? क्यों हाल बुरा है? गर्मी के कारण बुरा है, और क्या, क्यों बुरा है? और लाइट चली गई अभी। कब से लाइट गई है? अभी आधी घंटा हो गया। रोज जाती है? रोज जाती है, आ भी जाती है 10-15 मिनट के लिए। तो इनका हाल भी बुरा है भाई गर्मी में। देखिए लगातार गर्मी का माहौल जो है वो ऐसे बढ़ता जा रहा है। अभी तो जून का महीना शुरू भी नहीं हुआ, उसके बाद भी गर्मी का माहौल है जो ऐसे बढ़ता जा रहा है। देख सकते हैं कि
देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार लोग हैं अपने काम करने को मजबूर हैं। यहाँ पे शॉपकीपर्स भी अपनी जो चीज़ें हैं वो उनको बेचनी है क्योंकि उनको अपनी रोजी रोटी चलानी है। देखिए लगातार यहाँ पे लाइट है और इस रूम में लाइट नहीं है। देखिए ये बहुत बड़ी समस्या है जो कोयले की वजह से जो शुरू होती है, और ऊपर से कोरोना काल, मास्क का भी उपयोग करना ज़रूरी है। गर्मी के पसीने में लोग मास्क लगाए या अपना काम करें, ये दुविधाओं में लोग फंस चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से लोग, यहाँ पे देखिए धूप भी पड़ रही है, धूप में भी ये बैठे हुए भैया, धूप पड़ रही है उसमें भी आप बैठ के काम कर रहे हैं। क्या करें मैम, काम करना पड़ेगा, किराया तो देना ही है, किराया पड़ा अभी। और ग्राहक के क्या हाल है, इस टाइम किस टाइम ग्राहक सबसे ज्यादा आते हैं? 5 बजे के बाद आते हैं कम से कम, उससे पहले कुछ नहीं आता है। आप सुबह से दुकान खोल के बैठते हैं? दुकान खोल के बैठे, बोहनी तक नहीं हुई अभी तक। बोहनी नहीं हुई फिर भी सुबह से दुकान खोल, क्या करें मैम, खोलनी पड़ेगी दुकान तो। और ठंडी और गर्मी दोनों में से किस में सबसे ज्यादा ग्राहक आते हैं? शादी सीजन नहीं है तो सीजनेबल है, काम अलग अलग है ना। देखिए ये कह रहे हैं कि सीजनेबल है इसलिए दुकान खोल के बैठी है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, बोनी हो या ना हो, इनको अपनी दुकान खोलनी है, इनको अपनी रोजी रोटी चलानी है। लगातार ढा रहे हैं गर्मी के इस प्रकोप में हम पहुंचे हैं एक जूस की दुकान के पास जो कि अट्टा में है। तो आइए जानते हैं लोगों का क्या कहना। भैया इतनी गर्मी है आप जूस का सहारा ले रहे हैं? पानी के मिल नहीं पा रहा था। क्या कहाँ से आ रहे हैं आप? हम दिल्ली से। दिल्ली से, इतनी गर्मी है, नोएडा में रहते हैं दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली। दिल्ली की गर्मी कितने सालों से देखते आ रहे हैं? दिल्ली 7 साल से। तो इस बार तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं गर्मी ने। इस बार कुछ ज्यादा ही हो रही है। क्या कहना है आपको? अच्छा बचाव किस तरीके से करते हैं? ऑफिस भी जाना है और घर पे भी रहना है, किस तरीके का सहारा लेते हैं ताकि आप गर्मी से बच सके? घर पे रह के 24 घंटे बिजली चाहिए। ये घर पे रहते हैं 24 घंटे और हवा में रहते हैं, पंखे में रहते हैं, जिसकी वजह से ये है गर्मी से अपना बचाव कर पा रहे हैं। चलिए इनसे पूछते हैं गर्मी में का हाल बा? ठीक है। गर्मी में ठीक है, इतने पसीने में ठीक है? नीचे वाले घास में तो है नहीं, जो मौसम है वो है, मतलब जो मौसम है वो उसमें रहना ही पड़ेगा ना। अब जिनको बाहर निकलना है काम करना वो निकलेंगे। अच्छा रोजाना इतने कस्टमर आते हैं, देखिए कितनी भीड़ है इनकी दुकान पे, दिखाइए जरा, कैमरा पर्सन से बोलूंगी दिखाइए कितनी भीड़ है इनकी दुकान पे, लोग रोज ऐसे आते हैं? हाँ अभी गर्मी की वजह से थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, ज्यादा कस्टमर। सबसे ज्यादा क्या चीज बिकती है आपकी दुकान पे? मैंगो शेक और बनाना शेक। मैंगो शेक और बनाना शेक इनकी दुकान पे आम का सहारा लिए जा रहा है। ये पीले पीले आम जो देख सकते हैं आप, इन सब का सहारा लिए जा रहा है क्योंकि गर्मी का एकमात्र सहारा है ये आम, जिसकी जूस पी के, जिसकी वजह से लोग अपने आप को ठंडा कर सकते हैं, थोड़ी राहत मिलती है। बाकी लोगों से पूछते हैं कहाँ से आ रहे हैं आप? सूरजपुर। सूरजपुर, गर्मी में नहाए हुए या पसीने में? पसीने में भीगे हुए। भीगे हुए, कैसे कैसे बचाते हैं अपने आप को? क्या करें बस, जब गर्मी है तो लगेगी, तो गर्मी है तो लगेगी, पसीने आएंगे और ये गीले होंगे और बचाव का कारण बहुत ही नामात्र नजर आता है। तो चलिए इनसे पूछते हैं का हाल बा गर्मी में? अच्छा है। गर्मी में अच्छा हलवा? उतना गर्मी नहीं है। उतना गर्मी नहीं है, इनको गर्मी ज्यादा नहीं लग रही है। देखिए एक तरफ जूस की दुकान है तो दूसरी तरफ पकवान भी बन रहे हैं, खाने की चीज है, आग जलेगी, लौ उठेंगे, भाप उठेंगे, जिसकी वजह से और पसीना आएगा। भैया इस गर्मी में आप इतना कितना खाना बना लेते हैं, कब तक काम करते हैं? 11 बजे तक। 11 बजे तक पसीने में नहाते रहते हैं आप? 5-6 घंटे। 5-6 घंटे पसीने में नहाते हैं, तो सुबह सुबह नहा के आते होंगे शाम को जाके? 12 बजे। तो मतलब कितना भाप लगता हो, कितना कठिन है ये करना बताइए थोड़ा? नहीं हमेशा नहीं रहते यहाँ पे, कभी कभार रहते। देखिए इनकी दुकान पे देख सकते हैं आप कि किस तरीके से लगातार आग जल रही है और यहाँ पे लोग जो है तेल के। भैया कितनी गर्मी? बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। कितने ज्यादा पसीने, कितने ज्यादा पसीने, कितनी गर्मी? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पे है, जो लौ उठ रही है, लगातार भाप हो रहे हैं। मैं यहाँ पे खुद खड़ी हूँ तो मुझे लग रहा है कि कितनी ज्यादा भाप है, सांस नहीं आ रही, तो इन लोग का हाल तो बेहाल है। तो आप भी इस गर्मी में खुद को बचाइए, अपने घर वालों को बचाइए, जितना हो सके बाहर निकलने की कोशिश ना करें। कैमरा पर्सन अंगद कुमार के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, वॉइस ऑफ भारत, नोएडा।